का बिल्डिंग दिखा दें वीडियो में। जी मैडम, जैन मोम ने इस बिल्डिंग को सिर्फ 18 साल हुए और उस बिल्डिंग को 5 साल हुए, लेकिन जिम की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से, सर इस एरिया का नाम क्या है? चौहान गार्डन, चौहान कॉलोनी हैदराबाद की जो ये बिल्डिंग पूरा सिम का शिकार है और पूरी इनका जो कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, वो गिर रहा है साइडों से, अंदर से भी, नीचे से भी गिर रहा होगा बुनियादों से, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। बारिश होती है, आए दिन गटर का पानी जो बुनियाद पर जो लग रहा है, जिससे पूरी बिल्डिंग का जो बुनियाद ख़त्म हो रहा है, वो बिल्डिंग की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसका कोई ध्यान नहीं है इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए कम से कम, ताकि जो दुकानदार हैं एक भी उनको नुकसान हो, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी तो इनके ऊपर गिरेगी, ठीक है, इनकी जानों के नुकसान, जानों का खतरा है, चंद लाखों में अगर ये बिल्डिंग फिर रिपेयर हो सकती है, कम से कम इंसानी जानों को बचाया जाए। और सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसकी अपील है कि बराबरी बिल्डिंग पर, बिल्डिंग की इंस्ट्रक्शन को बेहतर किया जाए, जेर जमीन नकाशी है, स्टॉर्म टनल बनाया जाए, अगर जेर ज़मीन जो नकाशी को नहीं बनाएंगे, पूरे शहर की बिल्डिंग और दुकानें गिरेगी और लाखों का नुकसान, अरबों का नुकसान शहर को हर साल इस गटर न बनने की वजह से हो रहा है। तो मेरी पूरी अपील है सिंध गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी शहरों को ध्यान दें। हम गाँव में तो नहीं बैठे इस पर, 50, 70 साल, 80 साल, 100 साल पुराने यहाँ लोग यहाँ पर रिहाइश पसीने, ड्रेनेज का कोई नाम निशान नहीं है, तो मेहरबानी ड्रेनेज बनाई जाए। शुक्रिया।